चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.01 किलोग्राम ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व विद वेलोसिटी गिवन बाय 4i कैप प्लस 16 k कैप मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 8i कैप प्लस 20 j कैप मीटर पर सेकंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखो वेलोसिटी पहले ये है, बाद में ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में ये डिफरेंस है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इट मींस जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है इट मींस कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो आपको जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होता है वो होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट मींस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 एम कॉमन ले लो, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। अब वी इनिशियल की वैल्यू क्या दी हुई है, 4i कैप प्लस 16 k कैप दिया हुआ है। तो अगर इस वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, i कैप के जो कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा, k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा और जोड़ दूंगा, तो क्या आएगा 16 प्लस 256, ये ऐड करेंगे तो 272 आएगा, अंडर रूट में इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 8i कैप प्लस 20 j कैप। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कितना हो जा रहा है 64 प्लस 400, ये कितना आ जाएगा 464 अंडर रूट में, ये v फाइनल है उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, 1/2 इंटू मास कितना 0.01 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी इसका रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 464 आएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट को स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, 272, ये कितना आ जाएगा एग्जैक्टली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 2 इंटू इसमें से गया 9 और 3 माइनस 2 1 आया इंटू, ये अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 0.01 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 2 96 आएगा, 96 इंटू 0.001 ये कितना हो जाएगा 0.96 जूल, ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा 0.96 जूल आएगा, 0.96 जूल कहाँ, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।